और इस वक्त हमारे साथ अभय चौटाला जुड़ चुके हैं, एनएलओ के नेता। स्वागत है आपका अभय चौटाला जी खबरें अभी तक पर। थैंक यू अभय जी। 30 अक्टूबर को निर्धारित हो चुकी है उपचुनाव की तारीख। आपसे बात करना जरूरी था इस मुद्दे पर, क्योंकि आपने इस्तीफा दिया था उस सीट से। किस तरह की उम्मीद है, क्या कुछ आपकी तैयारी रहेगी? अब ये जो चुनाव है जी, इस चुनाव के अंदर कांग्रेस आपका भाजपा और जजपा की तो मेरे ख्याल जमानत भी नहीं बच सकती। अच्छा, इस चुनाव में इस बात को लेकर के फैसला होगा। इलाहाबाद का जो इलाका है टोटल देहाती इलाका है। अच्छा, टोटल खेती से जुड़े हुए लोगों का इलाका है। इन लोगों को तो कोई गांव में भी नहीं घुसने देगा जी। सही मायने में ये जो रोजाना खड़े होकर के बकवास करते हैं कि आंदोलन किसानों का नहीं है, ये आंदोलन चंद लोगों का है, इनको वहां इस बात का किसान एहसास कराएगा जी कि आंदोलन किसान का ही है, ये आंदोलन खेत में काम करने वाले का है। लेकिन अभय जी, तुम्हारे जो तीन जी, एक मिनट आप पहले बात सुनो या जी, कहिए कहिए कहिए, या फिर आप अपना बंद करो इसको, बोलिए। आप बात तो सुनते नहीं, आप बीच में अपनी, चलिए बोलिए, आप बोलिए, ऐसा ही कर रहे, बोलिए। तो इनको अच्छी तरह से ये एहसास कराएंगे लोग कि हरियाणा प्रदेश के हर किसान को इस बात को लेकर के तकलीफ है कि तुमने जो काले कानून बनाए हैं, इस काले कानून को लेकर के लोगों में गुस्सा है, और गुस्से का इजहार जो है इस 30 तारीख को लोग करेंगे। ठीक। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस से तो लोग सीधा सीधा ये पूछेंगे कि कानून बनाया किसने था, इसको लेकर के कौन आया था, इसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? जी, आज तो कांग्रेसी जो है घड़ियाली आंसू बहाते हैं, कहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं। इनसे पूछो कि ये ड्राफ्ट किसका है। ये जो दीपेंद्र हुड्डा जो है रोज स्टेटमेंट देता है किसानों के हक में, इससे पूछियो दो फुट के आलू कौन उगा रहा था। लोग अब पूछेंगे इनसे, जब ये वहां जाएंगे ना ठीक, तब इनसे पूछेंगे कि 2 फुट का आलू हमने तो नहीं देखा, तुम्हारे कौन से खेत में 2 फुट का आलू उगता है, अरे तुम आलू किस लिए उगा रहे थे उस दिन लोकसभा में, ये कानून लेकर के आए थे ना जी। तो इनका भी लोग मैम निकाल देंगे। इलाहाबाद के लोग जो है जी, अब कर लीजिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए जी। अब इस आंदोलन को लेकर के ये फैसला देंगे कि सरकार के बनाए गए तीनों काले कानून जो है वो गलत है। एक इलाहाबाद नहीं, 30 के 30 जो चुनाव हो रहे हैं इनमें आप देखना नतीजे किसान के पक्ष से। ठीक। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इलाहाबाद तो आप ही की सीट है, आप कई बार वहां से चुनाव जीते हैं, तो दूसरी पार्टी ये भी कह सकती है कि यहाँ तो एनएलओ मजबूत थी, यहाँ से कोई फैसला थोड़ी होना है। अगर आप, और आप कितना आश्वस्त हैं, आप क्यों इतना आश्वस्त हैं कि आपकी जीत होगी? आप मुझे एक चीज बताओ जी, एक तरफ तो गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारे फैसले ठीक है, हम प्रदेश के अंदर लोगों के हित में काम कर रहे हैं, अगर कोई सरकार लोगों के हित में काम करेगी तो फिर ये मान के चलो कि उस सरकार का ग्राफ बढ़ेगा सब जगह पे। जी, अगर लोगों के खिलाफ कोई काम करेगी तो सरकार का ग्राफ गिरेगा। इस बात का फैसला भी तो लोग करेंगे ना कि सरकार के फैसले सही है गलत है। इस सरकार में बैठे लोगों ने इस 2 वर्ष में किस तरह से लोगों को परेशान किया, किस तरह से 9 बड़े घोटाले किए, किस तरह से लूट करके खाने का काम किया, किस तरह से नौकरियां बेची है यहाँ जी, इस बात का फैसला भी ठीक है। अभय जी, 2 सवाल और है मेरे। एक तो ये कि आपने इस्तीफा दिया, शुरुआत में आपने दे दिया था किसानों के लिए, और एक बड़ा फैसला था अपना इतना बड़ा पद छोड़ना। कुछ फर्क पड़ा आपके इस्तीफा देने से? सरकार पर कोई दबाव बढ़ा? किसानों तक आपकी जो एक बात थी वो पहुंची मजबूती से? आप, मेरा जिस दिन इस्तीफा हुआ था जी 27 जनवरी को जी, उस दिन क्या हालात हो गए थे 26 तारीख को जी, और 27 को आम आदमी की जबान पे ये था कि शायद ये आंदोलन खत्म हो रहा है। मेरे इस्तीफे के बाद आंदोलन तेज हुआ। अच्छा, लोगों में एक विश्वास बढ़ा कि आपके साथ वो लोग आकर के खड़े हो रहे हैं
जिन्होंने हमेशा किसान की बात को मद्देनजर रखा, हमेशा किसान के साथ खड़ा रहा। जी ठीक है। दूसरा, उस वक्त जो हालात थे उन हालात में इस्तीफा जो मेरा था वो बहुत बड़ी ताकत थी किसान के लिए। अच्छा अच्छा, अभय जी आप खुद लड़ेंगे चुनाव या फिर परिवार से कोई लड़ेगा या पार्टी और किसी के लिए फैसला करेगी इलाहाबाद से? ये फैसला इलाहाबाद के लोग करेंगे, हम वहां पे लोगों की राय लेंगे। अच्छा। मीटिंग बुलाएंगे, पूछेंगे, जिसका नाम वो तय करेंगे, हम उसी को चुनाव लड़ा देंगे। लेकिन आपने इस्तीफा दिया है तो लोग चाहेंगे कि आप ही लड़ें? अब वो लोगों पे डिपेंड करता। अच्छा। है, उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। ये बात मैंने जब इस्तीफा दिया था तब भी खुल करके कही थी, ये फैसला इलाहाबाद के लोग करेंगे, वो तय करेंगे कि कौन चुनाव लड़े। बहुत बहुत शुक्रिया अभय चौटाला जी खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए।